कानपुर नगर पुलिस को ऐसी शिकायतें कुछ दिनों से मिल रही हैं कि कानपुर में कई ऐसे गिरोह हैं जो सूदखोरी का काम करते हैं अवैध रूप से और गरीब लोगों को तंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं, उनकी बैंक की पासबुक, चेकबुक या एटीएम कार्ड अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसमें काफ़ी हद तक सत्यता पाई गई है और इसमें एक्शन लिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप अगर ऐसी किसी परेशानी से पीड़ित हैं, कोई आपको सूदखोर साहूकार तंग कर रहा है अवैध कार्रवाई करके, तो आप अपने थाने पर जाकर तुरंत शिकायत करिए या 112 डायल करिए, एक पुलिस रिस्पांस व्हीकल आपके पास पहुंचेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानूनी कार्रवाई में नियम है कि जो कोई ऐसे सूदखोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है और वो अमल में लाई जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत का फ़ायदा उठा के, मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसे भारी सूद पर ऋण दे और उसके बाद में उसका फ़ायदा उठाए, इस पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको कि मनी लेंडिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, उनसे भी मेरा निर्देश है कि बिल्कुल नियम से चलें, नियम के बाहर अगर चलेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानपुर नगर पुलिस को ऐसी शिकायतें कुछ दिनों से मिल रही हैं कि कानपुर में कई ऐसे गिरोह हैं जो सूदखोरी का काम करते हैं अवैध रूप से और गरीब लोगों को तंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं, उनकी बैंक की पासबुक, चेकबुक या एटीएम कार्ड अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसमें काफ़ी हद तक सत्यता पाई गई है और इसमें एक्शन लिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप अगर ऐसी किसी परेशानी से पीड़ित हैं, कोई आपको सूदखोर साहूकार तंग कर रहा है अवैध कार्रवाई करके, तो आप अपने थाने पर जाकर तुरंत शिकायत करिए या 112 डायल करिए, एक पुलिस रिस्पांस व्हीकल आपके पास पहुंचेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानूनी कार्रवाई में नियम है कि जो कोई ऐसे सूदखोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है और वो अमल में लाई जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत का फ़ायदा उठा के, मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसे भारी सूद पर ऋण दे और उसके बाद में उसका फ़ायदा उठाए, इस पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको कि मनी लेंडिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, उनसे भी मेरा निर्देश है कि बिल्कुल नियम से चलें, नियम के बाहर अगर चलेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानपुर नगर पुलिस को ऐसी शिकायतें कुछ दिनों से मिल रही हैं कि कानपुर में कई ऐसे गिरोह हैं जो सूदखोरी का काम करते हैं अवैध रूप से और गरीब लोगों को तंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं, उनकी बैंक की पासबुक, चेकबुक या एटीएम कार्ड अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसमें काफ़ी हद तक सत्यता पाई गई है और इसमें एक्शन लिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप अगर ऐसी किसी परेशानी से पीड़ित हैं, कोई आपको सूदखोर साहूकार तंग कर रहा है अवैध कार्रवाई करके, तो आप अपने थाने पर जाकर तुरंत शिकायत करिए या 112 डायल करिए, एक पुलिस रिस्पांस व्हीकल आपके पास पहुंचेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानूनी कार्रवाई में नियम है कि जो कोई ऐसे सूदखोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है और वो अमल में लाई जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत का फ़ायदा उठा के, मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसे भारी सूद पर ऋण दे और उसके बाद में उसका फ़ायदा उठाए, इस पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको कि मनी लेंडिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, उनसे भी मेरा निर्देश है कि बिल्कुल नियम से चलें, नियम के बाहर अगर चलेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानपुर नगर पुलिस को ऐसी शिकायतें कुछ दिनों से मिल रही हैं कि कानपुर में कई ऐसे गिरोह हैं जो सूदखोरी का काम करते हैं अवैध रूप से और गरीब लोगों को तंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं, उनकी बैंक की पासबुक, चेकबुक या एटीएम कार्ड अपने कब्जे में ले लेते हैं।
इसमें काफ़ी हद तक सत्यता पाई गई है और इसमें एक्शन लिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप अगर ऐसी किसी परेशानी से पीड़ित हैं, कोई आपको सूदखोर साहूकार तंग कर रहा है अवैध कार्रवाई करके, तो आप अपने थाने पर जाकर तुरंत शिकायत करिए या 112 डायल करिए, एक पुलिस रिस्पांस व्हीकल आपके पास पहुंचेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानूनी कार्रवाई में नियम है कि जो कोई ऐसे सूदखोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है और वो अमल में लाई जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत का फ़ायदा उठा के, मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसे भारी सूद पर ऋण दे और उसके बाद में उसका फ़ायदा उठाए, इस पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको कि मनी लेंडिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, उनसे भी मेरा निर्देश है कि बिल्कुल नियम से चलें, नियम के बाहर अगर चलेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानपुर नगर पुलिस को ऐसे